वेलकम बैक टू प्रीतिस लाइफ जर्नी में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो। एनीवेज फ्रेंड्स, मैं हर वीक में एक ब्लॉग एक वीडियो डालती हूँ। ज़्यादातर मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम सब घर पे हैं सो मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को ब्रेक नहीं करना है लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास घर पे भी, नो डाउट मैंने बहुत सारे बनाए हैं, अपनी एक लिस्ट तैयार की जिसमें से एक मेरा ये भी था हैंडबैग्स। जैसे कि आपको आज के थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने हैंडबैग्स। काफ़ी सारा कलेक्शन है मेरे पास हैंडबैग्स का, लेकिन उसमें से जो मेरे फेवरेट हैं जहाँ मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जहाँ कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक, मेरे पास पड़े हैं, गिफ्ट मिले हुए हैं, तो वो सारे मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले दो बैग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने पॉलिथीन में से बाहर भी नहीं निकाला। सो सबसे पहले है ये देसी गर्ल का है और इसको भी अभी तक मैंने ऐसे ही रखा हुआ, और अब बिलीव नहीं करोगे इसको मैंने एक साल हो गया लिए हुए। हम जर्मनी में थे, वहाँ से मैंने बाय किया था इस तरह का प्रिंट और बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। ये अभी तक ये भी लगा हुआ है इसके, ये ऐसे जिप है और इसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, ये साइड से ऐसे जिप ओपन होती है ऐसे, और इसके अंदर आप सारे अपने वो रखते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट स्टाइल का था इसलिए मैंने इसको बाय किया था। तो ये ऐसे इधर भी काफ़ी स्पेशियस है। एक्चुअली मुझे बैग ना बिल्कुल जिसमें स्पेस नहीं होती है ज़्यादा, कुछ रख नहीं सकते तो वैसे नहीं पसंद। ये इसका लॉन्ग वाला वो है जो साइड वाली होती है ना सामने के लिए, वो भी है। और अगर इसको हैंडबैग में भी लेना चाहिए ऐसे करके तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये वेस्टर्न में ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल। स्किन जो मुझे बहुत ही प्यारा है, इसको भी मैं आपके सामने बैग को निकाल रही हूँ। दिस वन, दिस इज़ वेरी क्यूट और स्मॉल सा है, पार्टी वेयर है और ये काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है। एक्चुअली गिफ्ट विफ्ट मिल जाए हस्बैंड की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ क्या बोलते हैं इसको, लुईस फ्रेड दिस वन। सो दिस इज़ वेरी कॉस्टली ब्रांड और ये छोटा सा क्यूट सा बहुत ही प्यारा सा बैग है हैंड बैग। और ऐसे स्मॉल बैग्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, हैंडी बैग्स होंगे। सो दिस इज नाइस क्यूट स्मॉल बैग ब्राउन। और ये फ्रेंड्स मेरे पास कलेक्शन है बैगेट, बैगेट जो कि रिजनेबल होता है 2 से लेके 3,000 के बीच में मेरे ख्याल से आता है इंडिया में ना, तो सेल में काफ़ी अच्छी में मिल जाता है, 50% सेल होता है। मैंने एक दो बाय भी किए हैं क्योंकि टाइम पैसा वेस्ट करना क्यों करना है, मुझे नहीं इतना पसंद। एनीवेज ये बैगेट का मेरा छोटा सा क्यूट सा स्लिंग बैग है और इसमें ऐसे दो पॉकेट्स बने हुए हैं अलग अलग और दो जिप हैं इसके बैक साइड में, ऐसे एक जिप है। ये मैंने खुद लगाया है इसमें, ये मुझे क्यूट लगा इसके ऊपर लगाने के लिए तो मैंने खुद लगाया। तो ये मैं जब कभी छोटी मोटी शॉपिंग पे जाती हूँ जहाँ फ्रेंड्स के साथ कहीं मिलने के लिए जाना है कहीं चले गए तो मैं इसको यूज़ करती हूँ स्लिंग बैग को, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। सो बैगेट में जब ट्रैवल करते हैं बच्चों के साथ स्पेशली, तो तब मैं जब कहीं आउटडोर जाते हैं यूरोप जाते हैं या इंडिया जाते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ थोड़े बिग बैग, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा सामान कैरी करना पड़ता है। बच्चों के साथ जब जाओ आपको पता ही है कि काफ़ी सारा सामान कैरी करना ही पड़ता है, जैसे कि टिश्यू बॉक्स और कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने पीने के लिए, हैंड टॉवल वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है ना, तो इसलिए तब मैं बड़ा बैग ही यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरे पास है बैगेट का ये बैग, ये सी ग्रीन कलर का है, उसमें ब्लू दिख रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा भी है स्पेशियस भी है ये। इसमें ये भी मैंने खुद लगाया है, इसमें मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे तो मैं लगा लेती हूँ। ये ऐसे तीन जिप है इसके अंदर, तो ये बहुत बड़ा है और भरा हुआ रहता है जब मैं इसको लेके जाती हूँ। ये बैगेट का बैग है
और इसके सो दिस वन इज़ वेरी प्रेटी और मुझे ये काफ़ी पसंद भी है। और ये बैग वेलेंटिनो ब्रांड का बैग है जो काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है। अगेन माई हस्बैंड गिफ्टेड मी। सो दिस इज़ वाइट, वाइट कलर जो कि हर कलर की ड्रेसेस के साथ लो तो अमेजिंग लगता है। और ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ जब पार्टीज वार्टीज में जाती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ऐसे ये इसमें भी मैंने ये खुद लगाए हुए क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं लगा। ओके सो दिस वन गिफ्टेड फ्रॉम माय सिस्टर इन लॉ, इंडिया में हैं और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। दिस वन इज़ वेरी स्पेशियस भी है बहुत और काफ़ी सारे इसके अंदर भी काफ़ी सारे जिप हैं, काफ़ी स्पेशियस है मीन्स कहीं ले जाने के लिए और काफ़ी सारा सामान डालने के लिए काफ़ी अच्छा बैग है। सो ऐसे बैग जो होते हैं वो भी किसी भी ड्रेस के साथ आप कैरी करो तो ये बड़े स्टाइलिश और अच्छे भी लगते हैं ना। सो दिस इज़ ऑल्सो नाइस ब्यूटिफुल बैग एंड दिस इज़ रेड कलर बैग, ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। ये थोड़ा वो टोट बैग टाइप का है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा कैरी नहीं करती, थोड़ा हार्ड मटीरियल जो होता है ना उस टाइप का है। वैसे तो काफ़ी स्पेशियस है ये, अंदर से काफ़ी सारा सामान बाहर गिरेगा तो काफ़ी सारा स्पेशियस है ये, लेकिन इसको मैं कम यूज़ करती हूँ और वैसे ये बहुत अच्छा लगता है। कलर बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है लेकिन हर जगह मैं इसको कैरी नहीं कर सकते। सो गाइस दिस वन बैग ये वाला काफ़ी स्टाइलिश है, इसको ऐसे लॉन्ग में भी पहन सकते हैं लेकिन ये खुद इतना लेंथ इसकी है कि इसमें मैं कभी भी ये इसको यूज़ नहीं किया। इसको खैर मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया। इसमें है कि इसको ऐसे करके और ऐसे हाफ बना लो तो भी यूज़ हो जाता है और चाहो तो इस तरह से फुल बना के तो भी यूज़ कर। ये मैंने स्विट्ज़रलैंड में ख़रीदा था, एक लोकल मार्केट से लिया था मैंने। और वैसे इसका मटेरियल ऐसा है कि इसको पूरा ऐसे फोल्ड करके आराम से कहीं भी कैरी कर लो, तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और इसलिए मुझे मटेरियल के कारण मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें सामान लेकिन इस तरह से कि अगर आप डाल दो फिर ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है, लंबा अंदर तक ज़्यादा सामान चला जाता है क्योंकि इतना इतना बड़ा है ये, लेकिन स्पेशियस है, आसानी लुक का है। और ये मेरे ख्याल से 200 के 250 रुपीस में मैंने राजस्थान जयपुर में बाई किया था। और ये ऐसे ट्रेडिशनल वेयर के साथ कैरी करने के लिए कभी कभी अच्छा लगता है, मैं कभी कभी शॉपिंग वॉपिंग पे इसको भी कैरी करती हूँ। सो दिस इज़ अ बैग, सो ट्रेडिशनल में ही एक ये है, पार्टी वेयर है और ये मुझे ये इसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मेरे ख्याल से 100-150 रुपीस में ऐसे ही मिल जाते हैं ना लोकल मार्केट में, बाज़ार्स में ऐसे मिल जाते हैं। तो ये ऐसे स्लिंग बैग है, स्लिंग बैग की तरह भी इसको कैरी कर सकते हैं ऐसे करके, और चाहे तो ऐसे इसको अंदर डालो और ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। तो ये अच्छा लगता है मुझे, दोनों तरह से कैरी कर सकते हैं इस बैग को। सो रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई थी, उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वेयर, आजकल चल रहा है ना बहुत पोर्टली बैग, सो मैंने भी ये पोर्टली बैग बाय किया था। तो ये मैंने दिल्ली में सरोजनी मार्केट से बाय किया था, अराउंड 150 आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है, इतने का ही होगा ये। तो ये कैरी करने में बड़ा स्टाइलिश और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है, नाइस सा लगता है। दिस इज़ अ पोर्टली बैग। सो अब एंड में दिखाती हूँ पार्टी वेयर और बहुत ही स्टाइलिश दिस वन। सो दिस इज़ रोज गोल्ड, इसका टेक्सचर और इसका लुक, इसमें पूरे में ये काम है मोती का और रोज़ गोल्ड कलर का है। और ये क्लच की तरह किसी भी पार्टी में मैं यूज़ करती हूँ और किसी फंक्शन में जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ। सो दिस वन इज़ फेवरेट पार्टी वेयर क्लच। सो और इसमें भी अच्छी बात ये है कि चाहे इसको स्लिंग बैग की तरह बना लो, इसमें भी ऐसे चेन भी है तो इसको ऐसे चेन निकाल के इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं
और नहीं तो चेन को इसके अंदर डाल दो और वैसे कैरी कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का कलेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा बैग लगा वो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्टाइलिश, स्टे एट होम, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। I'm not afraid to die.